वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 12.0.6.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पे जो वर्षन आता है इंडियन वर्षन है, लेकिन यहाँ पे आप यही मेथड आप ग्लोबल वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो। और आप यही मेथड फॉलो करके अपने डिवाइस में आप कौन सा भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, जो कि एम आई वाई वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है, जो कि देख सकते हो ओ ई एम अनलॉकिंग, जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करना है तो फर्स्ट अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक है, तो बेशक यहाँ पे मैं अभी पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप एम आई वाई से कस्टम रोम में जाते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको सम फाइल्स कॉपी कर लेना होगा पीसी से। तो सिंपल आपको यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर चुका हूँ। और फाइल ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, और आपको यहाँ पे आना होगा पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल TWRP, और यहाँ पे जो वर्जन आता है 3.0, यहाँ पे ये जो वर्जन है ग्लोबल स्टेबल वर्जन के लिए यहाँ पे वर्क होता है, जो कि यहाँ पे वर्जन 12.5 के ऊपर, जो एम आई वाई 12.5 है उसके पर यहाँ पे ये वर्क होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एम आई वाई एंड्रॉयड 11, जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड 11 बेस्ड आपको यहाँ पे एम आई वाई मिल जाता है। तो वो आप जो है वर्जन के ऊपर आप ATWRP यूज़ कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे वर्जन 3.0। अगर आप इंडियन यूज़र्स हो, इंडियन यूज़र्स के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड 11 नहीं मिला है तो एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। तो एंड्रॉयड 10 का आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एम आई वाई एंड्रॉयड 10। अगर इंडियन यूज़र्स हो, आपके पास एंड्रॉयड 10 है तो ये यूज़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पे जो कि इंडियन यूज़र्स हो तो एंड्रॉयड 10 आपको यहाँ पे यही यूज़ करना होगा। अगर आप ग्लोबल वर्जन में हो, अगर आपके पास एम आई वाई 12.5 है तो आपको यहाँ पे ये यूज़ कर लेना होगा। अगर आप ग्लोबल वर्जन एंड्रॉयड 10 के साथ हो तो यहाँ पे आप ये बेशक यूज़ कर सकते हो, ये एंड्रॉयड 10 के लिए और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के लिए। सिंपल आपको दोनों का रिकवरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद एक कस्टम रोम, जो कि यहाँ पे आप एक कस्टम रोम, जो कि एक लेटेस्ट कस्टम रोम है, जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के लिए मैजेस मैनेजर जिप, मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके, यहाँ पे तीनों जो है रूट के लिए यूज़ होता है। और ये प्लेटफॉर्म टूल तो एक कमांड के लिए यूज़ होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चारों फाइल को कॉपी कर लेना है, इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है, जो कि यहाँ पे कस्टम रोम, मैजेस मैनेजर जिप, मैजेस मैनेजर एपीके और रूट चेकर एपीके। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सिंपल आपको वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपका डिवाइस आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो देख सकते हो डिवाइस ऑफ हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है, जो कि फास्ट बूट मोड में। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर, इसको भी यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कमांड टाइप करना है, जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि क्लोज कर लेना है, क्लोज कर लेना है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 है तो आपको यहाँ पे वर्जन 2.7 का यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 है तो वर्जन 3.0 का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड 10 है तो यहाँ पे मैं वर्जन 2.7 को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे फ्लैश एंड एम आई वाई एंड्रॉयड 10, इसको यहाँ पे सिंपल फ्लैश कर लेना है। और यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। और यहाँ पे प्रेस इंडिकेट टू कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल तो यहाँ पे मैं कॉपी कर चुका हूँ, जो कि पिक्सल OS यहाँ पे मेरे डिवाइस में। और यहाँ पे जो पीसी का वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे आना होगा डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना होगा, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है। सिंपल आपको यहाँ पे वेट करना होगा, जो कि डिवाइस ऑफ होने तक।
तो देख सकते हो डिवाइस ऑफ हो चुका है। पावर की को यहाँ पर रिलीज़ करना है, वैल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में, जो कि ऑफिशियल आपको यहाँ पे लेटेस्ट TWRP मिल जाता है, जो कि रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो देख सकते हो TWRP आ चुका है, जो कि यहाँ पे आपको स्टेबल TWRP मिल जाता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डायनेमिक सिस्टम, वेंडर कैश, डेटा वाइप कर देना है। होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है, पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि आप देख सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम यहाँ पे एंड्रॉयड लेवल मिल जाता है। 5th ऑफ अगस्त का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रोम फ्लैश हो चुका है, उसके बाद स्वाइप टू अनलॉक करना है। और अगर आप यहाँ पे रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना है, जो कि इस मेथड में यहाँ पे डेटा फॉर्मेट होता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल्ड हो चुका है और यहाँ पे बूट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि पिक्सल ओएस को आपको यहाँ पे एक स्टॉक यूआई मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फुल्ली आपको यहाँ पे पिक्सल ओएस। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये था, जो कि आप एक कस्टम रोम, जो कि यहाँ पे पिक्सल ओएस को कैसे इंस्टॉल करें। और इसके बाद आपको एक रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क को, उसके बाद पबजी के मामले में कैसा है, ग्राफिक सेटिंग कैसा है, और उसके बाद एंटीडो बेंचमार्क को क्या है, उसके बाद गूगल कैमरा आपको यहाँ पे क्लैरिटी कैसा मिल जाता है, स्टॉक कैमरा का कैसे क्लैरिटी है, आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे सुन। और यहाँ पे इस वीडियो में ये था, जो कि आप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को कैसे इंस्टॉल करें रेडमी नोट 8 प्रो में, और आप यही मेथड फॉलो करके आप कौन सा भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।